हाल ही में हमारे इसरो चीफ एस सोमनाथ जी ने एक इंटरव्यू एंड उसमें उन्होंने एक्सो प्लैनेटरी सिस्टम और अल्फा सेंचुरी के बारे में बात। तो आखिर ये सब होता क्या है? नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एक्सेक्टाइज टीम, मैं हूं दीपक एंड आज बात करेंगे स्पेस के उस हिस्से की जहां हमारा शायद भविष्य है। सबसे पहले ये एक्सो प्लैनेटरी सिस्टम क्या है? सिंपल भाषा में बताओ तो ऐसे प्लैनेट या प्लैनेटरी सिस्टम जहां ह्यूमंस रह सकते, वो भी हमारे सोलर सिस्टम को छोड़। तो ऐसे में सवाल आता है कि ऐसी कोई जगह आज तक खोजी भी गई है या नहीं? तो जवाब है हाँ, द आंसर इज यस। एंड यहां बात आती है अल्फा सेंचुरी की। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को थोड़ा डीप में जाएं। द अल्फा सेंचुरी सिस्टम, अल्फा सेंचुरी केवल एक तारा नहीं है बल्कि तीन तारों का एक समूह, अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी और प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये तीनों तारे गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए और एक सामान्य केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। अल्फा सेंचुरी ए और बी की अगर बात करें तो ये दोनों तारे हमारे सूर्य के काफी समान, एक दूसरे से काफी करीब है, लगभग 23.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, जिसे AU शॉर्ट में कहा जाता है। ये इतने दूर हैं, कहने को तो पास हैं, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक AU पृथ्वी और सूर्य की दूरी है, सिर्फ एक यंग। और हमने कितनी बात करी, यह लगभग 80 वर्षों में एक बार एक दूसरे के चारों ओर घूमते। चूंकि ये तारे सूर्य के समान हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने इन तारों में विशेष रुचि दिखाई, खासकर पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज में। प्रोक्सिमा सेंचुरी की अगर बात करें तो यह हमारे सोलर मंडल के सबसे नजदीक तारा है, जो केवल 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। यह एक लाल बौना था, जिसका मतलब है कि यह बहुत ही छोटा है, ठंडा और सूर्य से कम चमकीला है। हालांकि ये सबसे निकट तारा है, लेकिन ये है इतना धुंधला है कि इसे नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। प्लैनेट्स इन अल्फा सेंचुरी सिस्टम की बात करें तो प्रोक्सिमा सेंचुरी बी आता है, और प्रोक्सिमा सेंचुरी बी, दिस इज द मोस्ट फेमस प्लैनेट डिस्कवर्ड अराउंड प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये हमारी अर्थ की ही साइज का है और तकरीबन ये लाई करता है एक तरीके से हैबिटेबल जोन में, यहाँ पर इंसान रह सकते हैं आगे। ये इस प्रकार का एक प्लैनेट है, वेयर टेम्परेचर माइट अलाउ वाटर टू एग्जिस्ट। यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 15-20 डिग्री के अराउंड है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की संभावना और ज्यादा प्रबल हो जाती है। इसलिए ये ग्रह बाहरी अंतरिक्ष में जीवन की संभावना की खोज में एक महत्वपूर्ण उम्मीदवार है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सी की अगर बात करें तो दूसरा ग्रह प्रोक्सिमा सेंचुरी सी बाद में खोजा गया, यह पृथ्वी से बहुत बड़ा है, तकरीबन नेप्ट्यून जो हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है उसके आकार का है। हालांकि यह तारे से काफी दूर है और संभावना है कि वहां जीवन की अनुकूलता के अनुसार तापमान नहीं है, क्योंकि यह दूर है अपने सूर्य से, तो वहां बहुत ज्यादा ठंड हो सकती है, इसलिए यहाँ पर हैबिटेबल सिचुएशन नहीं, बट स्टिल एक प्लैनेट है, इसलिए हम इस पर भी खोज जारी किए हुए हैं, यानी कि वैज्ञानिक। निकटता के कारण अल्फा सेंचुरी सिस्टम भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण अभियानों के लिए प्राथमिक लक्ष्य है। वैज्ञानिक और इंजीनियर इस प्रणाली के ग्रहों की छवियां प्राप्त करने के लिए छोटे अंतरिक्ष यानों को भेजने की अवधारणाओं पर काम कर रहे हैं, जैसे कि ब्रेकथ्रू स्टारशॉट पहल, जो प्रकाश संचालित नैनोक्राफ्ट को इस प्रणाली की ओर भेजने का लक्ष्य रखते हैं। अब अगर चुनौतियों की बात की जाए तो हालांकि यह हमारे सबसे निकटतम तारे हैं या फिर तारा है, फिर भी अल्फा सेंचुरी प्रणाली बहुत दूर है। मौजूदा सबसे तेज अंतरिक्ष यान की गति से भी अगर जाया जाए तो इससे वहां पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। हालांकि तकनीक में प्रणाली भविष्य में एक ऐसी मशीनों को बनाने की संभावना बनी जा सकती है, बनाई जा सकती है ऐसी
एक मशीन जो कि लाइट ईयर की स्पीड से चल सके बनाई जा सकती है, जिस पर काम भी चालू है। जैसे कि इसमें आपके न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर पेट्रोलियम टाइप की जो चीज है जिसके थ्रू चल सकता है, वो इसमें यूज हो सकती है। एंड वैसे ऑन पेपर तो इस तरीके की मशीन्स बना भी दी गई हैं, बट रियल में ऐसी मशीन्स बनाना नॉट एक्चुअली क्वाइट बट वेरी डिफिकल्ट। अल्फा सेंचुरी प्रणाली हमारे पास मौजूद सबसे अच्छा अवसर है कि हम किसी अन्य तारा प्रणाली की खोज करें और ये हमारे ब्रह्मांड में अन्य जीवन की संभावना के बारे में कई सवालों के जवाब देने की क्षमता रखे। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग एक्सेक्टाइज़।